मीठे गुड़ में मिल गया दिल, उड़ी पतंग फिर खिल गया दिल, फिर आई भंगड़े की बारी, लोहड़ी मनाने की करें तैयारी। जी हाँ, आप सभी जानते हैं लोहड़ी का फेस्टिवल आ चुका है और आज हम पहुँचे हैं लुधियाना के सबसे फेमस स्वीट शॉप लायलपुर पे, जिनकी गजक, भुग्गा और रेवड़ी तो सारे लुधियानवी की सबसे पहली पसंद है। तो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटर है जो स्पेशली लोहड़ी के ओकेजन के लिए बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल छाछ के ऊपर प्रॉपर इन्होंने कितनी सुंदर तरीके से गज्जक, रेवड़ी और मूंगफली से एक प्लेटर रेडी किया है। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं लायलपुर के ऑनर मिस्टर कपिल से और जानते हैं इस तरीके के और कितने प्लेटर्स उन्होंने इस बार लोहड़ी के ओकेजन के लिए रेडी करवाए हैं। सर आपका वेलकम है टाइम्स पंजाब टीवी में, और सर आप क्या कहना चाहेंगे, लोहड़ी का फेस्टिवल आ चुका है तो इस बार किस तरीके की खास तैयारियां हो रही हैं? देखो जी, लोहड़ी का त्यौहार आ गया, सर्दी आ गई, लोहड़ी का त्यौहार आ गया, सर्दी के नाल ही जी गचक रिओड़ी वह बहुत अच्छी लगती है, बंदा सर्दी के गचक रिओड़ी भुग्गा ये चीज़ा खाता है, फिर उन्होंने असी बनाने बना के असी उन्होंने क्रिएटिव करते हैं ताकि कस्टमर नू देखने अच्छी लगे, किसी दे पतंग लाती, किसी दे चा भंगड़े वाले लाते, ढोल बजाते हुए लोहड़ी नू दर्शाते हुए भी अगला लोहड़ी का त्यौहार है, एक लैके जाए लड़की दे घर देवे तो उन्होंने उदा ही सारी फीलिंग जी है आवे, वो लोहड़ी नू याद करे, लोहड़ी वाले दिन नू याद करे, इस करके असी उन्होंने थोड़ा जा इसदा इस हिसाब नाल उन्होंने प्रेजेंटेशन की हुई जी। कैसे आपके माइंड में आइडिया आया कि ट्रेडिशनल तरीके से छाछ के ऊपर आपने ये प्रॉपर रेडी करवाया एक प्लेटर लोहड़ी के लिए स्पेशल? ऐसे है जी, बाकी धीरे धीरे दिमाग में कोई ना कोई काम को क्रिएटिव आइडिया करते रहते हैं, जैसे ये हो गया, एक हमने ट्रक निकाला है वो पड़ा है, उस ट्रक में यानी कि पंजाबी भंगड़ा डालते हुए जाते हैं ट्रक में, जट का और जमींदार का और ट्रक के साथ काफ़ी मेल पड़ता है, हमने ट्रक में भी ऐसा माल डाला है, उसमें गजक, रेवड़ी, मूंगफली वगैरह सारी डाल रखी है ताकि अगले को फीलिंग आए भी हम ट्रक में बैठ के पंजाबी पुराना जो चलता था, पुराना रिवाज चलता है, ट्रक में बैठकर जा रहे हैं लोहड़ी देने के लिए लड़की के घर में, तो पहले लड़कियों के घर में गांव के चार पाँच, एक अकेला तो जाता नहीं था, गांव के 10-15 आदमी गांव में जाता था भी, उदों हुंदा सी भी साडी कुड़ी है असी लोहड़ी देन जाना कुड़ी नूं पंजाबी स्टाइल दे विच, उस नूं दर्ज नूं रखदे हुए असी ओह चीज़ां कर रहे हैं। इस बार ठंड भी ज़्यादा भी पड़ रही है तो हम कह सकते हैं कि लोहड़ी के ओकेजन पे स्पेशली गज्जक और बुग्गे की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी आपकी शॉप में? हाँ जी, सर ठंड ने रिकॉर्ड तोड़े है जी, ठंड काफ़ी उच्ची जा रही है, सीजन लोगों का अच्छा लग गया, होजरी का सीजन लुधियाना जोड़ा है होजरी पर निर्भर करता है, होजरी का सीजन अच्छा लग गया तो नैचुरल गल है भी साडा भी सीजन अच्छा लगेगा, प्रभु ने कृपा की ठंड दे ते बाकी कस्टमर साढ़े नाल ने, साड़ी अच्छी क्वालिटी है, अच्छा असी गाहक नाल अच्छी क्वालिटी देने और काफ़ी सालों तो यानी लैलपुर का जोड़ा नाम है 1975 दे विच असी काम शुरू किया गचक रेवड़ी का, तो उस तो बाद असी गचक तो बाद पेठा, पेठे तो बाद मिठाई, मिठाई तो बाद नमकीन, नमकीन तो बाद बेकरी, इदा हौली हौली करते गए, हुण असी इहनू नाल हौली हौली क्रिएट करन वास्ते ताकि लोगों के असी बने रहीए, असी पिछे ना जाइए बने रहीए, नाल साडे बच्चे ने, असी तीन ब्रदर हाँ, तिना ब्रदर के एक एक बच्चा है वह नाल लगे ने, बच्चों का बड़ा सहयोग मिल रहा है, नवी नवी चीज़ा वो कढ़ रहे हैं। हाँ जी, एक चीज़ हम जरूर पूछना चाहेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि लायलपुर की जो स्वीट्स हैं और स्पेशली जो बुग्गा, रेवड़ी, गज्जक है वो पूरे लुधियानवीज की पहली पसंद है, तो इतने सालों से जो आप क्वालिटी मेंटेन करके चल रहे हैं तो आपको सारी मैनेजमेंट को संभालना, इतना जो लेबर वर्क है वो कैसे, आपको कभी भी डिफ़िकल्टी आई इस चीज़ में कि क्वालिटी मेंटेन भी करनी है और उस सारी लेबर वर्क को भी आपने बड़ा संभाल के रखा हुआ है हम कह सकते हैं? ऐसे ही एक सिस्टम बन जाता है आदमी का, जैसे हमारा रोज का सिस्टम है, सुबह इतने बजे उठना, नहाना धोना, पाठ करना, ऐसे ही एक बिजनेस का सिस्टम बन जाता है, जो कारीगर हैं उनका सिस्टम बन जाता है, उनको बता देते हैं वो ऐसे सफाई रखनी है, ऐसे काम करना है, हमारा देखो गचक में जो तिल का रोल है ना बहुत ज़्यादा है, जो मटीरियल है उसमें तिल गुड़ उसका रोल बहुत ज़्यादा है, जो हम तिल लेते हैं हम सीधा डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं, जिस कंपनी से लेते हैं हमने उनको बोला हुआ है हमको आप तिल चाहे 2-3 रुपये महंगा दे दो लेकिन उसको बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उस समय क्रिक नहीं आनी चाहिए, पहले क्रिक की बहुत प्रॉब्लम आती थी, अब टेक्नोलॉजी इतनी यानी कि तेज़ हो गई है भी, कहने का मतलब ये है भी वहाँ पर भी एक्सरे मशीन लग गई है, तो एक्सरे मशीन जो है वो जो तिल में छोटे छोटे बरीक बरीक सफ़ेद सफ़ेद कंकर होते हैं ना वो निकाल देती है, तो इसलिए क्वालिटी अच्छी है, उसके पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, वो हम एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं
ग्राहक को हम अच्छे नॉर्मल पैसों में ग्राहक को अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, इसलिए ग्राहक हमारे साथ है। सर एक चीज़ हमें बताइए, आजकल तो स्पेशली लड़कियों की लोहड़ी भी बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपके पास कितने ऑर्डर्स आते हैं स्पेशली लड़कियों की लोहड़ी के लिए? ऐसे जी, आजकल दो बच्चे हैं, आदमी दो बच्चों का रिवाज है, दो बच्चों के कारण लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। आजकल लड़कियां देखो कितना, लेडीज़ कितना काम कर रही हैं, आपके ऊपर ही ले जाएं तो आप भी कितना काम कर रहे हो। ऐसे ही जो लड़की तो लड़के में कोई फ़र्क नहीं है, लड़की का त्यौहार जो है लोग लोहड़ी ख़ास तौर पर ज़्यादा मनाते हैं, ताकि अपनी लड़की है ये देखो बच्चे दो होते हैं, वही दोनों अच्छे होते हैं, लेकिन लड़की का एक माँ बाप के साथ, एक भाई के साथ, परिवार के साथ अलग ही एक नाता होता है। तो सर एक चीज़ हमने आप सुना है कि आपका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन पूरा सेटअप किया हुआ है, आपने अब्रॉड में भी आपको इनके आते हैं मैसेजेस आते हैं स्वीट्स को लेकर, तो आपको कैसा रिस्पांस मिलता है कि जब ऑनलाइन आपके बिजनेस की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है? ऐसे जी, जो बाहर के ऑर्डर हैं वो तो हमारी गचक जाती है काफ़ी, उसकी तो तैयारियाँ यानी कि लोहड़ी आती है उसकी तैयारी तो हम पहले ही कर देते हैं, माल उनका बनता जाता है, एक्सपोर्ट होता जाता है। बाकी रह गई ऑनलाइन में लोगों को अगला फ़ोन करता है हमको, भाई साहब हमने गचक लेनी है, इतने डब्बे लेने हैं, तो हमको आप डब्बा और गचक दिखाओ, क्वालिटी हमने आपकी देखी हुई है, हम क्वालिटी से आपके बिल्कुल खुश हैं, हमें क्वालिटी नहीं देखनी, हमको डिब्बा दिखाओ और उसकी सेटिंग करके बताओ कैसे कैसे क्या डालोगे, गचक डालोगे बुग्गा डालोगे। हम उससे पूछते हैं भाई साहब आप बताओ आपने बुग्गा लेना है रेवड़ी लेनी है, वो कहता है हमको सारी चीज़ चाहिए, आपकी गचक भी चाहिए रेवड़ी भी चाहिए और बुग्गा भी चाहिए, तो हम उसको उस हिसाब से डब्बे में अच्छा प्लेटर या बॉक्स बनाकर उसको दिखा देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं, रेट बता देते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी आप हमारे पास भेज दो, दो तीन कोरियर सर्विस वाले हमारे से टाई अप हैं, वो उस हिसाब से हमको माल उनको बुला देते हैं, अगला हमारे अकाउंट में पैसा डालता है, हम उनको माल भेज देते हैं। सर्विस ऐसी आजकल इतनी अच्छी है, अब पुणे हम माल भेजा तो समझो दो दिन में वहाँ पहुँच गया, पुणे में दिल्ली पहुँचो, दिल्ली आए रखाओ कल माल पहुँच जाता है, ये सिस्टम। सर बहुत ब्यूटीफुल से प्लेटर्स तो हम देख ही रहे हैं आपकी शॉप पे, हम चाहते हैं एक और कोई खास प्लेटर जो आपकी तरफ से इस बार रेडी किया गया हो आप प्लीज़ व्यूवर्स को शो कीजिए सर, प्लीज़ इसके बारे में बताइए कि इन बॉक्सेस में क्या है? ऐसे है जी, इसमें तो रेवड़ी डाली हुई है गजब, बाकी कस्टमर जो कहे इसमें बुग्गा डालना है बुग्गा डाल देंगे, जो भी कस्टमर कहेंगे ड्राई फ्रूट बोलना है ड्राई फ्रूट डाल देंगे, ये जो है ऑलराउंडर प्लेटर है, इसमें मिठाई भी चल सकती है गचक भी चल सकती है। आज हमने इसको नया बनवाया है तो नए बनवाने से इसमें एक रेवड़ी डाली है, ये हमारी काजू पिस्ता गचक है, गोल्डन गचक है, गोल्डन ही इसमें ट्रे है, और ये आजकल प्रिंटिंग का बहुत यानी कि एक जान है, प्रिंटिंग आप देखोगे भी प्रिंटिंग से आदमी ऐसा लगता है आदमी बाहर ही खड़ा है, यानी आदमी होता नहीं है लेकिन मानने में ऐसा लगता है बाहर ही खड़ा है, ये प्रिंटिंग का कमाल है, वह ऐसे ही प्रिंटिंग का कमाल है इसमें। तो कस्टमर्स की डिमांड पे आप कस्टमाइज करवा देते हैं? हाँ जी, कस्टमर जैसे भी बोलता है अभी हमने इसको ऐसे बनाना है, इसमें गचक डालनी भुग्गा डालना है रेवड़ी डालनी, मिठाई कहे मिठाई डाल देते हैं, ये चीज़। सर जाते जाते हम चाहते हैं लुधियानवी इसको आप अपनी तरफ से एक लोहड़ी विश दे दीजिए प्लीज़। लोहड़ी विश तो यही है जी भाई, ओ कहते ना सुंदर मुंदरी है तेरा कोल बेचारा, तो लड़कियां बोल दी हैं तिली हरी है परी मुतकुली मोरी हरी, हमने एक वहाँ एक डैम्पर बनाया है उसमें लोगन भी लगाया हुआ है, कहीं पे काइट लगाए हुए हैं तो कहीं पे लोहड़ी लगाई हुई है, अब हम लोहड़ी पे आ जाएंगे तो हमारे केक बनते हैं तो लोहड़ी के केक भी बनाएंगे हम, वो यानी 10 तारीख से शुरू हो जाएंगे, वो लोग केक काटने का आजकल बहुत रिवाज है, कुछ बात हो जाए केक काटते हैं तो काटने के लिए हम लोहड़ी के केक बनाएंगे, उसका भी हमने नया डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो अगर आप दोबारा आएँ तो केक की भी हम आपको दे देंगे। थैंक यू सर टाइम्स पंच आपको अपना टाइम देने के लिए। तो आपने देखा ये थे लायलपुर स्वीट्स के ऑनर मिस्टर कपिल, जिन्होंने हमसे शेयर किया कि इस बार लोहड़ी फेस्टिवल के लिए स्पेशली किस तरीके के खास और ट्रेडिशनल प्लेटर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं कस्टमर्स के लिए, और कस्टमर्स अपनी पसंद से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। तो आपने देखा कि कितने ब्यूटीफुल से प्लेटर्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और कस्टमर्स की भी बहुत ज़्यादा भीड़ लग चुकी है, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलके। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बस्तीजा टाइम्स पंजाब टीवी।